हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज़ को कट कर दिया है। मैं ब्लाउज़ की लेंथ दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज़ की जो लेंथ रखी है 14.5 इंच है। 3 इंच की चौड़ाई देते हैं हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क कर देते हैं और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देंगे। एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर दीजिएगा। अब हम गले का लेंथ लेंगे। तो मैं गले का लेंथ देख लीजिए 12 इंच ले रही हूँ। तो 12 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से भी बराबर कर देंगे। अब गले की डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो वीडियो में आप देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैंने डिज़ाइन की मार्किंग कर दी है और 1.5 इंच पर हम एक मार्किंग और कर रहे हैं जो अंदर में ही है। देखिए, यहाँ से भी हम मार्क कर लिए हैं। अब पहले हम कट कर लेते हैं। तो पहले हम नीचे के साइड से कट करेंगे जो मैंने पहले मार्किंग की थी। और मैंने पूरे गले को देखिए कट कर दिया है। अब मैं ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेती हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही गला ब्लाउज़ के कपड़े का भी कट कर देंगे। तो मैंने देखिए ब्लाउज़ और अस्तर के गले को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी कटिंग कर दी है। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर में रख लीजिएगा और गले को पहले हम स्टिच कर देते हैं। तो एक दूसरे के साथ में पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं एक सिलाई लगा के। तो ये देख लीजिए, मैंने गले को अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया। इस पे हम पूरा कट्स लगा देते हैं। तो मैंने पूरे ब्लाउज के गले पे कट्स लगा लिए। अब इसको हम उलट कर सीधा कर लेंगे। अब एक सिलाई लगा के पूरे गले को हम फिर से स्टिच कर देते हैं। ये देख लीजिए, मैंने गले को स्टिच कर दिया। ब्लाउज की हम ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए चलिए हम पूरे ब्लाउज की आपको स्टिचिंग करके दिखा देते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली देख लीजिए पूरी स्टिचिंग कर दी है ब्लाउज की। अब मैं डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगी। तो इसको एक साइड कर देते हैं। और मुझे डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, ये बीच का जो मैंने मार्किंग किया था 1.5 इंच का, वो पार्ट हम कट कर दिए हैं। और मैंने पेपर लिया, आप न्यूज़पेपर यूज़ में ला सकते हैं। तो न्यूज़पेपर आप ले लीजिएगा, उसको डबल फोल्ड कर लीजिएगा और दोनों साइड से मार्क कर देंगे। तो हम चलिए दोनों साइड से बिल्कुल बराबर में मार्किंग कर लेंगे। और नीचे के साइड से जो है 0.5 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा पेपर को, क्योंकि हमें स्टिचिंग में भी लाना है। तो ये देख लीजिए, मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। और साइड से भी हम 0.5 इंच जो है एक्स्ट्रा रख रहे हैं और नीचे के साइड भी 0.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो अब देखिए, जहाँ से हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है मार्किंग करके, उतने से आप फोल्ड करके बराबर में फोल्ड कर लीजिएगा। तो इससे हमारा मार्किंग आ जाएगी और हम उस पर मार्क कर देते हैं। इतना हमें स्टिचिंग में लाना है। तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो मैंने स्क्वायर साइज के 2 कपड़े ले लिए हैं 2 कलर में। अब इसका मैं डिज़ाइन बना के पूरा स्टिच कर देती हूँ। तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे इसका डिज़ाइन बना के स्टिच कर रही हूँ। ऐसे आप भी डिज़ाइन बना लीजिएगा और इसके बाद सिलाई लगा दीजिएगा। तो ये देख लीजिए, मैंने पूरा डिज़ाइन बना के इसको स्टिच कर दिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे कलर के उसको भी सेम ऐसा ही बना के हम स्टिच कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सेम देखिए पूरा बना दिया है। अब इससे हम डिज़ाइन करेंगे ब्लाउज पे। तो चलिए, मैं अभी जो पेपर कट करके रखी थी उसको ले लेंगे। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे डिज़ाइन को स्टिच कर रही हूँ। पहले हम एक कलर का डिज़ाइन जो ले लेंगे और पूरा उसे नीचे के साइड स्टिच करेंगे जो हमारे ब्लाउज का कलर का सेम है।
अब जो डिफरेंट कलर मैंने ब्लाउज से लिया था उसको मुंह पर के साइड स्टिच कर देते हैं पूरा। तो बिल्कुल बराबर में रखते हैं, ऊपर के साइड से हम पूरा स्टिच कर लेंगे। वीडियो में आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाए जिससे। तो ये देख लीजिए, मैंने ऊपर के साइड से भी स्टिच कर दिया है। ऊपर के साइड से पाइपन करनी है तो मैं क्रॉस कटिंग में देखिए कुछ पट्टियाँ कट कर रही हूँ, इससे ये स्ट्रेचबल रहेगा। अब एक दूसरे के साथ हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो अच्छे से चलिए हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे एक दूसरे के साथ में, और इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर देती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर दिया है। अब मैं इस साइड से जो हमारा ऊपर के साइड है वहाँ से हम पाइपन कर देते हैं पूरा। तो मैंने स्टिच कर दिया है, अब इसको मैं गोल करके अच्छे तरीके से पाइपन बना के स्टिच कर देती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने पूरा अच्छे तरीके से पाइपन इस पे बना दिया है। ब्लाउज के साथ में इसको हम अटैच करके स्टिच कर देते हैं। तो वीडियो में आप देखते रहिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाए जिससे। और अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इससे मुझे भी अच्छा लगता है, और इसके बाद मुझे और भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने का जो है अच्छा लगेगा शेयर करने में। तो ये देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है। अब पूरा हम लेस लगा के इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस डिज़ाइन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे मैं चाहती हूँ मेरी डिज़ाइन बहुत सारे लोगों की हेल्प करें डिज़ाइन बनाने में। तो ये देख लीजिए, एक साइड से मैंने लेस स्टिच कर दिया, सेम ऐसे ही दूसरे साइड से भी लेस पूरा स्टिच कर देते हैं। तो मैंने पूरा लेस अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है ब्लाउज में। अब मैंने गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती ली, इसको मैं डिज़ाइन के ऊपर किस तरीके से लगा रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए। सेम ऐसे ही आप भी मोतियों को ज्वाइंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर लगा दीजिएगा एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए। इसी तरीके से देखिए, मैंने पूरा मोती लगा दिया है। अब नीचे का जो पेपर लगाया था उसे अच्छे तरीके से रिमूव कर दीजिएगा, और मेरी डिज़ाइन देख लीजिए, ये डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और कोई डिज़ाइनर ड्रेस या ब्लाउज को परचेज करने के लिए मैं इंस्टाग्राम आईडी पे विज़िट कीजिए, और मेरे फेसबुक आईडी पे भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ। वहाँ जाके मेरी आईडी पे जा सकते हैं और कोई भी ड्रेस परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।